मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही वीडियो अपलोड करके बताया था कि ताइवान ने अपने कंट्री में कबड्डी स्टार्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ताइवान ने अपने कंट्री में कबड्डी स्टार्ट कर दी है चैंपियनशिप, उसके बारे में मैंने आपको उस वीडियो में पूरे डिटेल से बताया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, 2020 या 2021 में इंडिया में भी खेलो इंडिया यूथ गेम होने वाला है। जी दोस्तों, 2020 या 2021 के मिड तक हो सकता है खेलो इंडिया यूथ गेम, और यहाँ से बहुत सारे प्रो कबड्डी के प्लेयर निकल कर आते हैं। ये सभी के बारे में मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में बताया, और उस वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का मुझे बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी लोगों में से कोई लोगों का कमेंट देख लेते हैं, क्योंकि मैं सभी लोगों का कमेंट नहीं दिखा सकता हूँ, अगर दिखाऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, तो इन सभी लोगों ने सही सही आंसर दिया आपकी स्क्रीन के सामने, इनका कमेंट्स हो रहा। थैंक्स फॉर कमेंट देने के लिए, अपना अपना कमेंट करने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको कबड्डी के रिलेटेड में छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी जितनी भी खबर रहती है आपको इस चैनल पर अपलोड कर देते रहता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, अगर इस साल प्रो कबड्डी नहीं होता तो इस साल प्रो कबड्डी को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। जी दोस्तों, इस बार प्रो कबड्डी को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, इसीलिए प्रो कबड्डी चाहेगा कि इस साल मैं किसी हालत में प्रो कबड्डी को करवाऊँ। जी दोस्तों, जिस तरीके से हमें कुछ महीने पहले लग रहा था कि इस साल हमें आईपीएल देखने के लिए नहीं मिलेगा, सभी लोगों को यही लग रहा था कि आईपीएल देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन अचानक ही आईपीएल के ऊपर बहुत सारे अपडेट निकल कर आने लगे थे। इसी तरीके से शायद अब प्रो कबड्डी के ऊपर भी ऐसे ही अपडेट निकल कर आने लगे। मैं ऐसा करता हूँ कि जल्द ही प्रो कबड्डी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा प्रो कबड्डी का फैन, अगर इसके ऊपर मुझे कुछ भी अपडेट मिलती है ऑफिशियल तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो चलिए बात करते हैं कि प्रो कबड्डी को इससे क्या लॉस होगा। अगर प्रो कबड्डी नहीं होता है तो जो टाइटल स्पॉन्सर होता है प्रो कबड्डी का वीवो, उससे इसे 60 करोड़ का नुकसान होगा। जी दोस्तों, 60 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, इसका प्रो कबड्डी का बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर वीवो अगर इस साल नहीं होता है प्रो कबड्डी तो। मैं आपको बता दूं, वीवो कंपनी आईपीएल और प्रो कबड्डी दोनों को ही बहुत ही अच्छी खासी पैसे देती है टाइटल स्पॉन्सरशिप का। जी दोस्तों, टाइटल स्पॉन्सरशिप का बहुत ज़्यादा पैसे देती है। अगर प्रो कबड्डी नहीं होता तो इस बार इसे 60 करोड़ का नुकसान होगा। जी दोस्तों, 60 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है। कुछ महीने पहले आईपीएल पे भी प्रेशर आ रहा था कि आईपीएल इस साल नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा, इसी तरीके से प्रो कबड्डी के पे भी बहुत ज़्यादा अभी प्रेशर पड़ रहा है। जैसे ही आईपीएल कंफर्म हो जाती है कि इस साल हमें आईपीएल देखने के लिए मिलेगा, और आईपीएल ने गवर्नमेंट को लेटर लिख दिया, जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी राय आती है और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि इस साल आईपीएल होता है, तो उस साल उसके बाद शायद हमें प्रो कबड्डी का भी डेट पता चल सकता है, उसके बाद शायद प्रो कबड्डी हो सकता है, क्योंकि प्रो कबड्डी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर प्रो कबड्डी नहीं होता है। वीवो का टाइटलशिप और साथ साथ कितने सारे स्पॉन्सरशिप होते हैं, उन सभी से भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए प्रो कबड्डी चाहेगा कि इस साल हो, प्रो कबड्डी चाहे इस साल इंडिया में हो या इंडिया से बाहर। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है, आखिर इंडिया से बाहर होगा तो आखिर कौन सा कंट्री बेस्ट रहेगा करवाने के लिए। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपको आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगा, और उस वीडियो में मैंने आपको बताया प्रेडिक्शन कि आखिर स्टार्टिंग डेट क्या हो सकती है, मैंने अपनी राय बताई है किस डेट पर स्टार्ट हो सकता है। अभी तक ऑफिशियल के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है प्रो कबड्डी के ऊपर। जी दोस्तों, कुछ भी इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, बस इतना ही पता चला कि वीवो अगर प्रो कबड्डी नहीं होता है तो 60 करोड़ का नुकसान होगा, और भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। जैसे ही इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है स्टार्टिंग डेट और प्रो कबड्डी की ऑक्शन के ऊपर, तो मैं आपको वीडियो अपलोड करके दे दूंगा। बस अभी यही अपडेट थी मैं जो आपको मैंने सोचा दे दूँ, तो इस वीडियो में मैंने आपको दे दिया। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम लोग 40K सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं।